अस्सलामुअलैकुम। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी सी रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ टर्किश ब्रेड। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी सी रेसिपी है, हर कोई बहुत ही आसानी के साथ ये ब्रेड बना सकता है। टर्किश ब्रेड मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाई जाती है, मैं आज सिंपल और फ्लैट टर्किश ब्रेड आपके साथ शेयर करूँगी। तो किस तरीके से बनाएंगे, आइए देखते हैं। 2 कप मैदा मैंने छान कर ले लिया था, इसके अंदर 1/2 टीस्पून मैंने नमक डाल दिया, 1 टीस्पून चीनी डाल दी और 1 टीस्पून इंस्टेंट ईस्ट इसके अंदर शामिल कर दूंगी। इसके बाद 2 टेबलस्पून में इसके अंदर ऑयल शामिल कर दूंगी। 2 टेबलस्पून मैंने खुश्क दूध लिया है, ये शामिल कर देंगे इसके अंदर। तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा नीम गर्म पानी डालकर आप इस डो को गूंद लीजिए। तो डो जो हम गूंदेंगे वो हमने सॉफ्ट तैयार करनी है। डो हमारी रेडी है, इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल और इसको कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए ताकि ये राइज हो जाए। 20 मिनट गुजरने के बाद मैदा डस्ट करेंगे, डो निकालेंगे और इससे थोड़ा प्रेस करेंगे ताकि इसकी एयर निकल जाए। अब मैं इसके 6 पीसेस बना लूँगी, पहले दरमियान से काटें और इस तरीके से फिर आप इनके 3 पीस एक साइड के और 3 पीस दूसरी डो के बना लीजिए। और अब इन 6 पीसेस के हम छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। तमाम पेड़े बनाने के बाद अब मैं एक एक लूँगी और इन्हें बेलेंगे जैसे रोटी के लिए हम बेलते हैं। इस तरीके से हम इसे डो को फ्लैट कर लेंगे। यहाँ पर बस मैं इतना ही साइज़ रखूँगी, बहुत बड़ी हमने ये ब्रेड नहीं तैयार करनी। तवा गरम करेंगे और इसके ऊपर इस ब्रेड को डाल देंगे और अब हम मीडियम फ्लेम पर इसे कुक करेंगे यहाँ तक कि दोनों साइड से ये अच्छी सी कुक हो जाए। हल्का हल्का प्रेस करेंगे ऊपर से। प्रेस करने से जो हमारी ब्रेड है वो बहुत अच्छे तरीके से पक जाएगी। तो यहाँ पर तकरीबन ब्रेड हमारी रेडी है, बस हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह बाकी ब्रेड्स भी मैं तैयार कर लूँगी। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही इजीली ये ब्रेड्स तैयार हो जाती हैं। तो यहाँ पर तमाम ब्रेड्स मैंने तैयार कर ली हैं, बहुत ही सॉफ्ट तैयार हुई हैं। आखिर में हम लेंगे मक्खन और इसको थोड़ा मेल्ट कर लेंगे। इसके अंदर डालेंगे थोड़े से धनिए के पत्ते बारीक काट कर और इसे मिक्स करेंगे और तमाम ब्रेड्स पर लगा देंगे। बटर के साथ बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इनका और मज़ीद सॉफ्ट हो जाती हैं ये तमाम ब्रेड्स। तो इस तरीके से तमाम ब्रेड्स के ऊपर मैं ये मक्खन लगा दूँगी। बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही ईजीली ये ब्रेड तैयार हो जाती हैं। इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस तरीके से तमाम ब्रेड्स बनाएं और इन्जॉय करें। मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली तमाम नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।